लास्ट ईयर मैंने US में किया न्यूयॉर्क आर्ट फेस्टिवल, और वहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि पीपल वर रियली सरप्राइज टू सी कि पाकिस्तानी फीमेल आर्टिस्ट जो हैं वो भी यहाँ पर आ सकती हैं और वो भी यहाँ पर इस तरह डिस्प्ले कर सकती हैं। मेरा काम ज़्यादातर है टू टैप इनसाइड माई सेल्फ एंड ब्रिंग इट आउट द एक्सप्रेशन, विच मीन्स कि आप जो है अपना जो हम कहते हैं ना लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर है ब्रेन का, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके काम करना है। उससे क्या होता है कि आप एक तो आप थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा आप अपने अंदर को भी टैप इन कर रहे हैं जिसमें कि आप भूले नहीं हैं कि हु यू आर। इसका फ़ायदा क्या है कि आपका जो काम आपको नज़र आएगा यहाँ पे मेरा वो यूनिक काम होगा, वो कॉपी भी नहीं हो सकता और ना कि कोई और उस तरह का काम कर सकता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्रेलिक पेंट है। एक्रेलिक जो है वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है और यहाँ यूए की इन्वायरमेंट में यू हैव टू बी वेरी फास्ट, और उतने ही कलर मिक्स करती हूँ मैं जितना कि इसको मैं आगे लेके चल सकती हूँ। आई यूजुअली वर्क वेरी ह्यूज आर्टवर्क जो कि मैं वॉल के ऊपर लगा के करती हूँ, और उसके लिए ज़ाहिर है छोटे ब्रशेज से काम नहीं करता है, सो आई हैव टू यूज़ माई रोलर, आई हैव टू यूज़ द स्क्रेपर, आई हैव टू यूज़ मैनी थिंग्स। मैंने 2015 से एग्जीबिशन स्टार्ट किए अपने आर्ट एग्जीबिशंस, फिर मैं मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया में आर्ट का हमारा फेस्टिवल था वो किया, उसके बाद मैं गई टर्की, टर्की में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 2019 में, तो और अब हर साल मैं अपना एक एग्जीबिशन करती हूँ और साथ में डिफरेंट नेटवर्किंग जो हमारे इवेंट्स होते हैं आर्टिस्ट के थ्रू और वेलनेस प्रोग्राम्स के थ्रू, उनके थ्रू मैं सबके साथ अपना नेटवर्क भी रखती हूँ, और बिकॉज बीइंग पाकिस्तानी इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस इन यूएई कि जब जहाँ पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अवार्ड्स जो हैं मुझे यहाँ पे यूएई में मिस्टर हिज एक्सेलेंसी मिस्टर अल ज़रूनी की तरफ से मिला है। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी एज अ पाकिस्तानी कि मुझे उन्होंने ये अवार्ड दिया। हमारे पास जो है यूएई में विमेंस डे होता है जिसको हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जी आर्ट्स की तरफ से एक अभी सिक्स्थ एडिशन हुआ है जिसमें कि ओवर 100 प्लस कंट्रीज से एक एक विमेन आर्टिस्ट को इन्होंने चूज़ किया एंड आई वाज वन ऑफ देम टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो एंड अ ग्रेट अचीवमेंट एज वेल, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आपको इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपने मुल्क को। It's a great thing for me, alhamdulillah.